गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए कक्षा 9 मैथ तो पढ़ रहे थे हम क्लास 9 में, वो आपके त्रिभुज आ गया है। अब त्रिभुज की सर्वांश क्षमता के बारे में इसके पिछले वीडियो में हमने बता दिया था, ठीक है। अब इस पर कुछ आधारित जो है हम प्रमेय कर लेते हैं, यानी थ्योरम कर लेते हैं, ठीक है। क्लास 9 मैथ, देखिए थ्योरम इस पे करेंगे, प्रमेय करेंगे। थ्योरम का मतलब होता है प्रमेय, ठीक है। और प्रमेय का मतलब होता है, एक क्या होता है प्रमेय, मतलब भगवान कह लो सत्य, यानी प्रमेय जो है सत्य अटल है, समझा गया। और जो सत्य है वही प्रमेय है, जो प्रमेय है वही सत्य है। क्योंकि जो सत्य होता है उसको कोई काट नहीं सकता, समझा गया। तो प्रमेय जो है, जो बात कही गई है वो बिल्कुल सत्य है, बस उसी को आपको यहाँ पे दिखाना है, समझा गया। तो प्रमेय का मतलब होता है कि जो सत्य होता है, जो सत्य बात कही हो, कही गई होती वही होती प्रमेय तुम्हारी। थ्योरम देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक किया करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ठीक है। और जितना भी होमवर्क बताया जाता है, जितना भी होमवर्क बताया जाता है वो पूरा का पूरा होमवर्क कीजिए, और होमवर्क करने के बाद में उसको ग्रुप पर सेंड कीजिए, ठीक। तो देखिए प्रमेय क्या है हमारी, त्रिभुज की सर्वांग क्षमता से रिलेटेड एक हम प्रमेय करेंगे आज हम। देखो दो प्रमेय जो हम करा चुके थे, ये तीसरी मान लीजिए, ठीक। हमारी जो प्रमेय है वो किसी त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, यानी प्रमेय को यहाँ पे लिख लेंगे हम, किसी त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं की दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, भी बराबर होते हैं, ठीक। ये जो प्रमेय, जो बात कही गई वो सही है, वो सत्य है बिल्कुल, कि दो अगर त्रिभुज में दो बराबर भुजाएं हैं, अगर उन बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी हमेशा क्या होते हैं हमारे, बराबर होते हैं, समझा रहा है, समझे। इससे पहले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब चित्र फिगर बना लेंगे, और क्या दिया है कि त्रिभुज की दो बराबर भुजाएं दी हैं, दो बराबर भुजाएं हमको ज्ञात है, तो मतलब फिगर बनाएंगे, उसके बाद में जो ज्ञात होता है उसको हम ज्ञात है लिख लेंगे, फिर जो सिद्ध करना हो वही लिख लेंगे, फिर रचना हो अगर करना हो तो रचना करेंगे हम, उसके बाद पद कहते हैं, इन्फ्रेंस जिसको कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिगर बना दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर हम बना दे रहे हैं कि एक त्रिभुज है, ए बी सी, ठीक है। इसमें दो भुजाएं जो हैं वो बराबर हैं, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो ये सिद्ध करना है कि ये कोण भी इस कोण के बराबर होंगे, समझ रहा है। क्या सिद्ध करना है कि किसी त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये हमको सिद्ध करना है, समझा गया। तो मेरे हिसाब से कर लोगे, सभी बच्चे कर लेंगे। देखिए त्रिभुज में अगर किसी भी चीज़ को सिद्ध करना है, चाहे कोण हो चाहे भुजा हो, तो अगर हम दो त्रिभुजों को सर्वांग सम अगर हम सिद्ध कर दे रहे हैं, तो त्रिभुज के संगत
अंग होने के कारण संगत सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव होने के कारण ये चीज़ें आपस में सिद्ध हो जाएंगी, यानी बराबर सिद्ध हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए दो सर्वांग सम कितने त्रिभुज को कर सकते हो, दो, तो त्रिभुज तो हमारा एक ही है, दो त्रिभुज है ही नहीं, समझा गया। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, रचना कर लेंगे, क्या कर लेंगे, रचना कर लेंगे कि कोण ए का जो अर्धक खींच लेंगे, क्या कर लेंगे हम, कोण ए का अर्धक, तो कोण ए का जो अर्धक है जो चीज़ यहाँ करेंगे वही हम वहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। कोण ए, ए का जो अर्धक है हमने ए डी खींचा, जो बिंदु डी पर बी सी भुजा के बिंदु डी पर मिलता है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम दो त्रिभुज हो गए, एक त्रिभुज हो गया ए डी बी, एक त्रिभुज हो गया ए डी सी, अगर इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे हम तो ये कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि जब त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा तो सर्वांग सम का मतलब सभी अंग बराबर, तो ये संगत अंग अवयव सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव होने के कारण ये बी और सी भी हमारे बराबर सिद्ध हो जाएंगे, समझ आ गया। तो अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सबसे पहले हम डालेंगे ज्ञात है, हमको क्या ज्ञात है, इसमें देखिए जो ज्ञात होता है वो हमारी प्रमेय में लिखा होता है। ज्ञात क्या है कि कोई एक त्रिभुज है उसमें बराबर भुजाएं, क्या है, बराबर भुजाएं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ज्ञात है, क्या ज्ञात है हमारा, त्रिभुज ए बी सी एक है जिसमें ए बी बराबर ए सी दिया है, ए बी बराबर ए सी दिया है, समझा गया, ए बी बराबर ए सी दिया है। हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमको, यानी प्रूव करना है कि कोण बी बराबर कोण सी। यहाँ पे देखिए क्या सिद्ध करने को कह रहा है कि भुजा बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, सम्मुख मतलब सामने के, इस भुजा के सामने का कोण ये है, इस भुजा के सामने का कोण ये है, तो ये कोण भी हमेशा आपस में बराबर होंगे, समझा गया। अगर त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। अब देखिए हमने इतना लिख लिया, इसके बाद अगर हमने रचना की तो हम रचना कर लेंगे। अब रचना क्या लिखी है हमने, रचना की है कि हमने कोण ए का अर्धक, कोण ए का अर्धक ए डी खींचा, जो बिंदु ए डी खींचा, जो भुजा बी सी के डी बिंदु पर मिलता है, समझा गया। इतना लिख लोगे सभी बच्चे, ठीक है, ये सभी बच्चे इतना लिख लेंगे, ठीक। अब इसके आगे हम जो करेंगे, देखो रचना भी हो गई हमारी, ठीक। अब यहाँ पे हम उपपत्ति डालेंगे, क्या डालेंगे, उपपत्ति, और किन दो त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध कर रहे हैं जरा बताइए, त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए डी सी में डालेंगे, क्या डालेंगे हम, त्रिभुज ए डी सी और ए डी बी और त्रिभुज ए डी सी, अगर इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध कर दें तो कोण बी बराबर कोण सी हो जाएगा। अब देखिए किसी त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हमने क्या बताया था कि कम से कम तीन चीज़ें जरूर हों, यानी तीन बात जरूर सिद्ध हो जाएं, या तीनों भुजाएं बराबर कर दीजिए, या दो कोण एक भुजा, या एक कोण दो भुजा, समझ आ गया। तो त्रिभुज हमारे क्या हो जाते हैं, सर्वांग सम हो जाते हैं, इसके पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, वो वीडियो देखिए, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ तो यहाँ से मिल जाएगी, ए बी बराबर ए सी, क्योंकि ये ज्ञात है भाई, एक चीज़ तो मिल गई यहाँ से, तीन चीज़ें हमको लाना है भाई, तीन चीज़ ढूंढना है, समझे। तो एक चीज़ देखो यहाँ से हमको मिल जाएगी, ठीक, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ए बी बराबर ए सी, और ब्रैकेट में लिख लेंगे ज्ञात है, क्योंकि ये हमको पता है, समझ आ गया, यहाँ से हमको पता हुआ। इसके बाद में देखिए
इससे बहुत पहले सबसे पहले शुरुआत में स्टार्टिंग में एक चीज़ बताई थी हमने, समद्विभाजक यानी किसी भी कोण का अगर समद्विभाजक करते हैं कोई किरण तो वो जो दो बराबर कोणों में उसे बांट देती है। तो ये कोण, ये देखो कोण ए का समद्विभाजक कर रही है एडी, ये कोण भी आपस में बराबर होंगे, समझ आ गया। यानी बी ए डी कोण बी ए डी बराबर होगा डी ए सी के कोण डी ए सी के। कहाँ से आया है ये, हमने रचना की है, कहाँ से आया है रचना जब की है तब भाई हमारा ये दो समद्विभाजक कोण निकल के आया है, यानी क्या लिखने गए हम रचना से, समझ में आ गया। अब देखिए दो चीज़ हो गए और तीसरी चीज़ भी ढूंढिए, देखिए ढूंढना तो हमको उसी त्रिभुज में ही होगा, उसी में अलग से नहीं रख सकते हम, समझ में आ गया। यहाँ से ये देखो एक भुजा बराबर, हमने दो भुजाएँ लिख ली इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की, और इस त्रिभुज का ये कोण, इस त्रिभुज का ये कोण, ये भी बराबर है। अब देखिए ये एक जो भुजा है ए डी, ये दोनों त्रिभुजों में मिल रही है। अगर हम देखें कि ए डी बी त्रिभुज में ए डी और ए डी सी त्रिभुज में भी ए डी जो है कामन हो रही है, यानी दोनों त्रिभुजों में एक ही भुजा मिल रही है, तो वो भी हम लिख लेंगे। यानी ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या हो गए हमारी उभयनिष्ठ हो गए, क्या हो गए हमारी उभयनिष्ठ। अब देखिए तीन चीज़ मिल गए, ये भुजा और ये कोण, यानी भुजा भुजा कोण से ये त्रिभुज जो हो गया हमारा सर्वांगसम हो गया, और जब ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा तो इसके जो कोण होंगे ये भी हमारे बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज ए डी बी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए डी सी के, ठीक है। अतः कोण बी बराबर कोण सी, बस यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। यहाँ पे लिख देंगे किससे, भुजा, ठीक है, एंगल कोण और भुजा से, समझा गया, यानी भुजा कोण भुजा से, समझा गया। ये चीज़ ज़रूर लिखना कि किस कारण से ये सर्वांगसम हुए, समझा गया, समझे कि नहीं, तो कर लोगे सभी बच्चे, ये सभी प्रमेय कर लेंगे कि किस टाइप से प्रमेय की जाती है। देखो तीन चीज़ें ढूंढना आवश्यक होता है, तीन चीज़ ढूंढ लेंगे हम तो प्रमेय हमारी सिद्ध हो जाएगी, समझ में आ रहा है, और जो बात कही गई है उसको हम सिद्ध कर देंगे। अब ये बी और सी कैसे बराबर हो गए, क्योंकि ये जब ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव हैं, वो आपस में क्या होते हैं, सब बराबर हो जाएंगे, समझ में आ रहा है, समझे। तो ये आपकी एक प्रमेय हो गई। इसके बाद में इस पे कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी हम लगाएंगे, ठीक है, वो क्वेश्चन भी लगाएंगे, लेकिन उससे पहले एक प्रमेय और जो है आपको करना है, और वो प्रमेय कौन सी है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपकी जो बुक है उस बुक में देखेंगे कि प्रमेय नंबर जो है हमारी 4 लिखी हुई है त्रिभुज में, पेज नंबर 170 पे, पेज नंबर 170 पर देखना, इसी त्रिभुज की इसी प्रमेय की उल्टा प्रमेय है, समझ में आ गया। इसमें क्या है, इसमें ये दिया है, ये किसी त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और उसमें क्या है कि यदि किसी त्रिभुज के दो बराबर कोण हो तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। बस सेम वही है, बस यहाँ पे चेंज करना, यहाँ पे सम्मुख कोण दिए हुए हैं तो सम्मुख कोण जब करे दिए हुए हैं तो सम्मुख भुजाएं हमको बराबर सिद्ध करना है, बस ये यहाँ जाना है, ये यहाँ जाना है, बस, समझ आ गया। तो इस टाइप से वो दूसरी प्रमेय करेंगे, वो प्रमेय लिख लीजिए अगर किसी के पास नहीं है तो इसको समझिए, और उसमें भी दूसरी प्रमेय उसको कीजिए। प्रमेय में बोल रहा हूँ कि यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं, समझ आ गया। इसी त्रिभुज इसी प्रमेय की जो उल्टा प्रमेय है, समझ आ गया, जैसे यह है बस उसी का उल्टा कर देना है, समझ आ रहा है। तो वो बच्चे सभी बच्चे वो प्रमेय जो है करके ग्रुप पर सेंड करेंगे, ठीक है। तो इसके आगे की जो एक्सरसाइज होगी वो आपको बताया जाएगा, ठीक। तो इतना क्वेश्चन है, जो इतनी ये जो प्रमेय है वो कीजिए और ग्रुप पर सेंड कीजिए। थैंक यू।